प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिल स्टेशनों और बाजारों में बढ़ रही भीड़ पर चिंता जताई और लोगों से कोविड के उचित व्यवहार का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया है। उन्होंने कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से लागू करने पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने आज असम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम के मुख्यमंत्रियों के साथ हुए संवाद में कहा कि कोरोना वायरस लगातार अपना रूप बदल रहा है और इसके लक्षणों पर नजर रखने की जरूरत है। श्री मोदी ने कोरोना संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर टीकाकरण प्रक्रिया में तेजी लाने पर जोर दिया। सबके सामूहिक प्रयासों से, देश की जनता के सहयोग से हम कोरोना संक्रमण को सीमित रखने में जरूर सफल होंगे। मैं फिर एक बार आज विस्तार से नॉर्थ ईस्ट की चर्चा कर करके बहुत स्पेसिफिक विषयों पर हम चर्चा कर पाए, मुझे विश्वास है कि इन चीजों से आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट में जो थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है उसको तुरंत रोकने में हमारी पूरी टीम काम करेगी और सफलता मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ जिलों में बढ़ती संक्रमण दर पर चिंता व्यक्त करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि केंद्र द्वारा घोषित 23,000 करोड़ रुपए के पैकेज से पूर्वोत्तर राज्यों में स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करने में मदद मिलेगी।